नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए और फ्रेश वीडियो में। वन रैंक वन पेंशन पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो गई है और लेटेस्ट खबर निकल के सामने आ रही है। जानते हैं विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से कि क्या खबर है और क्या लेटेस्ट। दोस्तों, वो आरोपी केस की संपूर्ण सुनवाई खत्म हो गई है और फैसले को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुरक्षित रखा गया है। दोस्तों, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, रक्षा बलों में वन रैंक वन पेंशन को लागू करने की मांग को लेकर पूर्व सैनिकों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है और उम्मीद यही की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सभी भूतपूर्व सैनिकों और फैमिली पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आएगी। और इसके संबंध में मेजर जनरल सतबीर साहब के द्वारा भी एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें उन्होंने खुशी जाहिर की है और उम्मीद जाहिर की है कि जल्द ही इसका फैसला हमारे पक्ष में आएगा। सुनिए वीडियो में क्या क्या उन्होंने कहा है। नमस्कार करता हूं। सबसे पहले आज 23 फरवरी 2022 ईश्वर से वो दिन है जिस दिन हमारा लंबा एक जो अदालतों का जो केस हमने असली वाली वन रैंक वन पेंशन का डाला हुआ था, जो कि सरकार का जो हुक्म आया था 7 नवंबर को, वो वन रैंक वन पेंशन नहीं था, तो वो केस 9 जून 2016 को जो हमारे एक बहुत नामे वकील लेट जो इस संसार में नहीं है, ईश्वर उनको आत्मा को शांति दे, उन्होंने ये केस यहाँ वैदा किया हमारे सब सैनिकों से कि वो ये केस हमारे लिए लड़ेंगे। उन्होंने ये केस सुप्रीम कोर्ट में 9 जून 2016 को डाला और आज 23 फरवरी 2022 को तकरीबन 6 साल से थोड़े महीने पहले आर्गुमेंट्स जो हैं दोनों तरह से खत्म हो गए हैं और जजमेंट को रिजर्व रख दिया गया। इसमें सबसे पहले तो हम पूरे सैनिक परिवार के लिए ये डाला गया, लेकिन जो हमारे वकील साहब हैं उसके बाद मैं और आप सब की ओर से ग्रुप कैप्टन गांधी को दिल तह से हम बधाई देना चाहते हैं कि पहला एबीसी वर्ड इसका से शुरू होकर आज हमारे जो सीनियर वकील थे वो भी पीछे देख देख कर इनको पूछ कर आकर अपने आर्गुमेंट दे रहे थे। जज ने आज बहुत बहुत धन्यवाद आपका गांधी साहब। और जो हमारे मेन जज थे उन्होंने भी आखिर में साहब का नाम लेकर और खुशी जताई कि इन्होंने एक बहुत अच्छा योगदान इस केस में दिया और स्पेशली जैसे और जवान के लिए उन्होंने बोला कि आपने उनके लिए फाइट रखी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात, ये सवाल एक जज ने पूछ लिया कि ये वन रैंक वन पेंशन का फायदा ये किसको होगा, तो उस वक्त हमारे सीनियर वकील ने बताया और पीछे से ये उनको बता रहे थे कि 100 में से 95 लोगों को फायदा हमारे जवान और जेसी साहब, क्योंकि 95% जो फौज है 15 लाख की वो हमारे जवान और जेसी साहब है, ऑफिसर सिर्फ 3 से 4% है एक्चुअली, तो ये सारा उनको लागू होगा। कहीं गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही थी गवर्नमेंट की तरफ से कि ये तो शायद अफसर अपने लिए कर रहे हैं। साथियों, और जहां भी हम जाएं सभी को ये बताना चाहिए कि ये जो लड़ाई है लड़ाई नहीं थी, ये एक पूर्व सैनिकों की जिन्होंने इस देश के लिए अपनी पूरी जवानी देश के लिए रखी और अपने फैमिलियों से दूर रहे, अपनी बॉडी को काफ़ी नुकसान भी हुआ लेकिन देश का प्रेम कभी ख़त्म नहीं हुआ। उसके लिए हम अपना हक और अपना इज्जत के लिए ये लड़ाई शुरू करी थी और सिर्फ उसके लिए हमें पैसा और नहीं था, सबसे ज्यादा थी कि सिपाहियों की इज्जत
और सिपाहियों के साथ इंसाफ होना चाहिए। आपने जब हमने यहाँ से बैठ के सब शुरू किया, डेली हम बोला करते थे सब कि ये उसके लिए किया गया। तो साथियों, ये तकरीबन 6 साल का लंबा जो समय लगा, उसमें से 2 साल तो ये कोविड भी बीच में आ गया, उससे भी बीच में हमें दिक्कतें हुई, लेकिन उसका ना अपने बॉडी ऊपर लेते हुए आज अच्छे हमारे आर्गूमेंट्स हुए। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार की ओर से जो दलील दी गई और उसका रात को, कल रात तो चली गई, इनफैक्ट आज रात जो निकल गई, रात को 1 बजे मतलब सुबह काउंटर एफिडेविट पूरी टीम ने, गांधी साहब और हमारे एडवोकेट्स और सीनियर एडवोकेट सब ने मिलकर वो जमा कराया और रात को ही जजों ने पढ़ लिया, एक जज को सुबह मिला। कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप कोई भी काम करो, तो हम सब यहाँ से बोला करते थे, आप सब भी उसको समझते थे कि काम तो तब होता है जब तुम जुनून में आ जाओ, और जुनून किसे कहते हैं, जब आप आधे पागल हो जाओ उस काम के लिए। तो ये थी पूरी लगन आप सब की और हमारे वकीलों की और हमारे टीम की, जिन्होंने उस मुद्दे को काबिल रखा। सरकार की ओर से काफ़ी बीच में इंटरफेरेंस डालने की कोशिश करी और एक किस्म का उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करी, MACP ACP ये वो, लेकिन हमारे वकीलों ने और ग्रुप कैप्टन गांधी साहब ने मिलकर हम सब ने उसको समझा और उसको इफेक्टिवली और स्ट्रांगली काउंटर किया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आज के आर्गूमेंट्स जो हमारे वकील ने दिए, उससे ये और जो सवाल पूछे गए और जिसमें जज साहब एग्री भी कर रहे थे बीच बीच में, जैसे उन्होंने बोला कि ये जो है कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट की तौर से, भाई उसका सिद्धांत, ये फिगर की वजह से ना जाओ, सिद्धांत के ऊपर जाओ, तो सिद्धांत हमारे वकील ने प्रूव कर दिया कि जो सरकार ने दिया है वो असली वाली वन रैंक वन पेंशन नहीं है, ये प्रूव किया गया और इफेक्टिवली अप्रूव कर दिया गया। बाकी कुछ इतने पैसे लगेंगे उतने पैसे लगेंगे, वो इतना जो हमारे पास सब रेडी थे, हमने सब तैयार कर रखा था, लेकिन जजों ने बोला कि कॉन्सेप्ट के तौर पर, सिद्धांत के तौर पर हम एग्री करते हैं, ये चीज़ एक जज ने मानी भी उस वक्त। तो आज के आर्गूमेंट्स हमारे बहुत अच्छे हुए हैं, इन आर्गूमेंट्स को सुनकर हम ये उम्मीद करते हैं कि जजमेंट भी अच्छा हो। बाकी ये अदालत के ऊपर डिपेंड करता है, पर अपने तौर पर मैं यही कहूँगा कि एक शुभ काम हुआ, शुभ दिन हुआ, शुभ दिहाड़ा, अच्छा लागे रे, शुभ दिहाड़ा अच्छा लागे रे, धन्यवाद। यही मेरे को कहना है, एक बार फिर ग्रुप कैप्टन गांधी साहब को शाबाश देते हुए हम आप सबको यही बोलेंगे, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। एक बार फिर वो दोहरा दे जो बोला करते थे, आज की पेंशन सभी पिछले वालों को, आज की पेंशन सभी पिछले वालों को, अगले साल की पेंशन सभी पिछले वालों को, अगले साल की पेंशन सभी पिछले वालों को, एक जैसी सर्विस और एक जैसा रैंक, एक जैसी सर्विस और एक जैसा रैंक, वन रैंक वन पेंशन, वन रैंक वन पेंशन, वन रैंक वन पेंशन, वन रैंक वन पेंशन, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धन्यवाद सर गांधी साहब, आप